एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। चुनावी मौसम में लगातार सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। दमोह जिले के पथरिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। दमोह लोकसभा से प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी के समर्थन में उन्होंने सभा को संबोधित किया। उनके साथ में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। कमलनाथ ने भाषण देते हुए सरकार की खूबियां गिनाई और भाजपा समेत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर गरजे। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, 5 साल मोदी जी के, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के। जैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौंपा, एक ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, जहां बेरोजगारी में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उनके आते ही चौकीदार के नारे लगने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में माहौल बना है, सरकारी नौकरियों में 22 लाख पद खाली हैं। सरकार आते ही 22 लाख पदों की भर्तियां करेंगे, 22 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, साथ ही 10 लाख युवाओं को पंचायतों में नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने न्याय योजना के साथ किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात कही। राहुल ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 5 सालों में चौकीदार ने जमकर गरीबों से पैसा खींचा, इस पैसे को अंबानी, माल्या और नीरव मोदी जैसे 15 लोगों को दे दिया। उन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र किया और गरीबों के हित की बातें कही। फिर मुझसे पूछते राहुल जी, आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को ना खत्म कर दो, 5,75,000 करोड़ रुपए, मैं 25 करोड़ को देना चाहता हूँ। राहुल जी आपने क्या बोल दिया, 25 करोड़ रुपए को हिंदुस्तान की सरकार पैसे कैसे देगी? मैंने आपसे कहा आप पता लगाओ, तुम यार पानी की बात है, 10 रुपए दे पाएगी तो 10 बताओ, 50 दे पाएगी तो 50 बताओ, 100 दे पाएगी तो 100 बताओ, मुझे नंबर। अगर नंबर बहुत छोटा है पानी की तो नहीं करेंगे, पानी की बॉटल तो हो गई दो पानी। अगर धमाके का नंबर दोगे करेंगे। मैंने कहा उनसे 4 महीने मुझे प्लानिंग करनी है, मैं ये काम 100 दिन का मनरेगा नहीं होगा भाई और बहनों, 150 दिन का होने वाला है। तो आप एक बात समझिए, उन्होंने इस पैसे का क्या किया? कमलनाथ जी आप जरा इंक्वायरी कराइए, जरा इंक्वायरी कराइए कि 3,800 करोड़ रुपए का जो जनता का बुंदेलखंड का पैसा था वो कहां गया, किसके हाथों में गया? और वही 3,800 करोड़ रुपए निकालकर उन्हीं चोरों के जेब से निकालकर कमलनाथ जी इनके जेब में डाली। नरेंद्र मोदी जी और प्रेस वाले आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा अनिल अंबानी की जेब से निकालूंगा मैं, वो आपका बोलते ना 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले, तो आपने 35,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया उसका, उसकी जेब में से निकालूंगा। जनता जानती है, देखो मैं पहला नाम लूंगा आप दूसरा नाम लेना, अनिल मैं हूं, मीरा विजय लवे, ये लिस्ट है मेरे पास भाई और बहनों, लिस्ट है लिस्ट। पथरिया से आफताब खान, सागर टीवी न्यूज।
एशियन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। एडमिशन ओपन कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।